टीवी और फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस नीलू कोहली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। नीलू कोहली के पति हरमिंदर सिंह का निधन हो गया है। बाथरूम में हरमिंदर का शव मिला। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त घर पर सिर्फ नीलू के पति और उनका नौकर मौजूद था। नौकर ने देखा कि हरमिंदर बाथरूम में बेहोश पड़े हैं। नौकर ने हरमिंदर को उठाने की बहुत कोशिशें की लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हरमिंदर गुरुद्वारे से घर लौटे थे, इसके बाद वो बाथरूम गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। नीलू को जब इस बात की खबर दी गई तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। नीलू कोहली की शादी साल 1986 में हुई थी। उस वक्त वो फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं आई थी, लेकिन पति के सपोर्ट के चलते उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और अजय देवगन की फिल्म दिल क्या करे से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। इसके बाद नीलू ने तपिश, रन, पटियाला हाउस, हाउसफुल 2, हम तुम और घोस्ट और हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों में काम किया। नीलू ने आहट, भाभी, गीत, मैडम सर जैसे टीवी सीरियल्स में भी काम किया। वो लगातार फिल्मों और टेलीविजन पर एक्टिव हैं। लेकिन इस बीच उनके पति का उनसे साथ छूट गया है। फिलहाल नीलू और उनका परिवार बड़े सदमे में है।